दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं अमृत उपाध्याय बीते हफ्ते की बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं आइए सबसे पहले इन खबरों पर एक नजर डाल दें आज सबसे पहले बताएंगे कि यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद क्यों डाली गई और इसकी प्रासंगिकता पर सवाल क्यों उठते रहे इसके बाद जानेंगे कि साइप्रस समस्या क्या है और तुर्की की यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप की राह में यह रोड़ा क्यों और आखिर में बताएंगे कि अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच लड़ाई में नागोर्नो काराबाख विवाद क्या है लेकिन सबसे पहले बात यूनाइटेड नेशंस की अठारहवीं सदी के आखिरी समय में लंदन में एक कवि पैदा हुए उनका नाम था लॉर्ड बायरॉन 1810 के दशक में इन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम था चाइल्डे हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज इस कविता में इन्होंने लिखा हियर वे आर दोल्ड यूनाइटेड नेशंस ड्रू आवर कंट्री मैन वेअर वारिंग ऑन दैट डे एंड दिस मच एंड ऑल विच विल नॉट पास अवे इस कविता में बायरॉन 1815 में हुए वाटरलू युद्ध की दर्द बयां कर रहे हैं लेकिन किसको पता था करीब सवा सौ साल बाद दुनिया में शांति कायम करने के लिए एक संगठन की बुनियाद डाली जाएगी जिसका नाम इस कविता में ही छिपा हुआ है हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की जिसकी स्थापना के आज छिहत्तर साल पूरे हो गए आज ही के दिन यानी 24 अक्टूबर 1945 से संयुक्त राष्ट्र ने अपना कामकाज विधिवत रूप में शुरू कर दिया था इसलिए आज आपको संयुक्त राष्ट्र के सफर के बारे में बताएंगे बताएंगे कि इसके पीछे क्या वजहें थी और इससे पहले दुनिया के देशों ने क्या कुछ किया दरअसल 1914 में जब पहले विश्व युद्ध में लाखों लोगों की मौतें हुईं, तब से ही किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी जो दुनिया को शांति और अमन की ओर ले जा सके ये आइडिया सबसे पहले अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थॉमस वोड्रॉ विल्सन के जहन में आया उन्होंने 14 पॉइंट में एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की रूपरेखा तैयार की जो प्रथम विश्व युद्ध को खत्म करने का पूरा ब्लू था एक खाका था जिसमें वर्तमान और भविष्य की तैयारियां थी नवंबर 1918 में युद्ध खत्म हुआ तो दो महीने के भीतर मित्र राष्ट्र वाला धड़ा शांति कायम करने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में एकजुट हो गया बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद डाल दी गई तब 42 देश इसके मेंबर थे मौजूदा संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह सुरक्षा परिषद है इसी तरह लीग ऑफ नेशंस में लीग परिषद था जिसके चार परमानेंट मेंबर थे ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस इटली और जापान अब आप सोचेंगे कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों नहीं है दरअसल मौजूदा संयुक्त राष्ट्र में जिस अमेरिका की तूती बोलती है वह अमेरिका इस संगठन का सदस्य नहीं बना हालांकि वह अप्रत्यक्ष तौर पर इस संगठन का साथ जरूर देता रहा लेकिन आधिकारिक तौर पर कभी इसका मेंबर नहीं बना 1930 के दशक में यह संगठन नाकाम लचर और बेतुका साबित होने लगा फरवरी 1933 में जापान ने चीन और सोवियत संघ के इलाके वाले क्षेत्र मंचूरिया पर हमला कर दिया 40 देशों ने मंचूरिया से जापानी फौज के निकल जाने के पक्ष में वोट किया लेकिन जापान ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया 1935 में हुए दूसरे इटली इथोपिया युद्ध में भी लीग नाकाम साबित हुआ जंग से पहले ही लीग ने इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनिटो मुसोलिनी को समझाने की कोशिश की लेकिन मुसोलिनी नहीं माने और इथोपिया पर हमला कर दिया जब इटली ने इथोपिया पर जीत हासिल कर ली तब इटली समेत कई देशों ने लीग ऑफ नेशंस से खुद को किनारा कर लिया उन्नीस के दौरान चेक स्लोवाकिया पर हमला से पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर से बात करने की कोशिश की लेकिन इसमें भी उसे मायूसी ही हाथ लगी फिर वह बुरा वक्त भी आया जब दुनिया ने खुद को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया उन्नीस में इस जंग का आगाज हो गया ऐसा कहा जाता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब लीग ऑफ नेशंस के जेनेवा स्थित हेडक्वार्टर में एक परिंदा भी नहीं था जून 1941 में मित्र राष्ट्रों ने लंदन में मुलाकात की और सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा पर दस्तखत किए यह संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के स्थापना की ओर ले जाने वाले छः सम्मेलनों में से पहला था उन्नीस में ही अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने ही लॉर्ड बायरन की कविता के हवाले से यूनाइटेड नेशंस नाम सुझाया एक जनवरी 1942 को अमेरिका ब्रिटेन सोवियत यूनियन और चीन के प्रमुखों ने डिक्लेरेशन बाई यूनाइटेड नेशंस पर दस्तखत किए अगले ही दिन और बाईस देशों के प्रमुखों ने इस पर दस्तखत किए 1944 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर बनकर तैयार हो गया जिस पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने दस्तखत किए आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था वजूद में आया इस एपिसोड में संयुक्त राष्ट्र की संरचना के बारे में हम बात नहीं करेंगे पिछले कई एपिसोड में हमने इस बारे में बात किया है एपिसोड के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आखिर में जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के छिहत्तर साल के इस सफर में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं कई मौकों पर इस संगठन ने दुनिया को शांति की राहें दिखाई हैं, लेकिन कई मौकों पर नाकामी के चलते इसे आलोचना भी झेलनी पड़ी है यहाँ तक कि इसकी प्रासंगिकता पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं इसके सबसे मजबूत निकाय सुरक्षा परिषद में पिछले छिहत्तर सालों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला जिसकी मांग दशकों से उठती रही है शुरुआत में जो स्थिति थी वह जस की तस बनी हुई है इसलिए इस संगठन की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इसमें ज़रूरी सुधारों की कोशिश की जाए इसी कार्यक्रम के एपिसोड में हमने आपको बताया है कि कैसे यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से अलग हुआ और अब पोलैंड भी इससे बाहर होने की फिराक में है हालांकि ऐसे कवायदों से यूरोपीय देशों की एकजुटता कमजोर हो रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश सिर्फ इससे बाहर ही हो रहे हैं बल्कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो इस यूनियन की सदस्यता हासिल करना चाहते हैं ये देश अभी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं इन देशों में तुर्की का मामला अभी चर्चा में है दरअसल यूरोपीय संघ के निकाय यूरोपियन आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप हासिल करने के मापदंडों में तुर्की लगातार पिछड़ रहा है लोकतंत्र और कानून का शासन जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए रिपोर्ट ने तुर्की की आलोचना तक की है रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकतंत्र के गिरते स्तर मौलिक अधिकारों और न्यायपालिका की आज़ादी पर यूरोपीय संघ की चिंताओं पर तुर्की ध्यान नहीं दे रहा रिपोर्ट ने दावा किया है कि तुर्की यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के लिए गंभीर नजर नहीं आता जानकारों का मानना है कि दोनों पक्षों के बीच रिश्ते बेहतर नहीं होने के चलते तुर्की यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं बन पा रहा इन तलखियों के पीछे साइप्रस समस्या को वजह माना जा रहा है जानकार बताते हैं कि जब तक इस समस्या का निदान नहीं निकलेगा तब तक मेंबरशिप के लिए चल रही बातचीत में प्रगति नहीं होगी अब आप पूछेंगे कि यह साइप्रस समस्या क्या है जो तुर्की के गले की हड्डी बना है दरअसल यह एक ऐतिहासिक विवाद है जिससे तुर्की डायरेक्ट जुड़ा है इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा अगर आप नक्शे पर मध्य एशिया मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र के इलाकों को देखेंगे तो पाएंगे कि इन इलाकों में लगभग सभी संघर्ष वाले क्षेत्रों में तुर्की की मौजूदगी है बाल्कन से काकेशस और भूमध्य सागर से काला सागर तक फैले हुए विशाल क्षेत्र के बीच में मौजूदगी के कारण तुर्की को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जो सामरिक लिहाज से बेहद अहम है अगर आप तुर्की के दक्षिण में देखेंगे तो पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में एक छोटा सा प्रायद्वीप है जिसका नाम है साइप्रस यह देश तुर्की के दक्षिण के अलावा सीरिया के पश्चिम इजराइल गाजापट्टी और लेबनान के उत्तर पश्चिम मिस्र के उत्तर और ग्रीस के दक्षिण पूर्व में स्थित है राजधानी निकोसिया है यह बात उस दौर की है जब ऑटोमन साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर था कहा जाता है कि साम्राज्य का सुल्तान सलीम सेकंड की नजर वेनिस गणराज्य के साइप्रस इलाके पर थी यह राज्य मौजूदा वक्त के इटली में था जो सत्रह में खत्म हो गया पंद्रह में सुल्तान सलीम ने वेनिस पर हमला कर दिया जो साइप्रस युद्ध के नाम से मशहूर है यह जंग तीन सालों तक चली इसी दौरान ग्रीक बहुलता वाले साइप्रस के ज्यादातर द्वीपों को ऑर्टमन साम्राज्य ने जीत लिया करीब 300 सालों तक ऑर्टमन शासन के बाद 1878 में साइप्रस कन्वेंशन के तहत इस इलाके को लीज यानी पट्टे पर ब्रिटेन को दे दिया गया लेकिन पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन विरोधी गुट में तुर्क साम्राज्य के शामिल होने के चलते ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से साइप्रस पर कब्जा कर लिया बाद में यह द्वीप ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बन गया ये तो बात हो गई साइप्रस की राजनीतिक स्थिति की लेकिन सारी समस्या की जड़ वहां की सामाजिक स्थिति में है इसलिए पहले उसे समझिए दरअसल साइप्रस में मुख्य रूप से दो समुदाय रहते हैं एक है ग्रीक और दूसरा है तुर्क मौजूदा वक्त में अगर पूरे साइप्रस की आबादी की बात करें तो ग्रीक की हिस्सेदारी करीब तिहत्तर फीसदी है वहीं तुर्क मुसलमानों की भागीदारी पच्चीस फीसदी है उन्नीस में ग्रीक की आबादी सतहत्तर फीसदी थी जबकि तुर्क की अठारह फीसदी दोनों ही समुदाय वर्षों तक चुपचाप साथ साथ रहे लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया भारत की तरह ही अंग्रेज वहां भी फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर चल रहे थे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को रोकने के लिए दोनों समूहों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया इस तरह की कवायदों ने वहां के समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया साइप्रस के बिखरने की इबारत यहीं से लिखी जाने लगी लंबे समय से चले आ रहे नस्लीय विवाद ने दोनों समुदायों के बीच खाई इतनी चौड़ी कर दी कि ग्रीक यूनान के साथ और तुर्क तुर्की के साथ मिलने की कोशिश करने लगे साइप्रस को यूनान में शामिल करने के लिए यूनान की सरकार ने 1950 में राष्ट्रीय नीति तक बना डाली उधर साइप्रस में ही दोनों समुदायों में राष्ट्रवादी संगठन तैयार होने लगे ग्रीक समुदाय की ओर से बने संगठन का नाम ईओका यानी एथनिकी ऑर्गेनोसिस केप्रियन स्टोन था यह एक दक्षिण पंथी संगठन था जो ब्रिटेन से आजादी की मांग कर रहा था तुर्कों के संगठन का नाम टीएमटी यानी टर्किश रेसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था शुरू में तुर्कों ने इस बात की वकालत की कि साइप्रस में ब्रिटिश शासन कायम रहे लेकिन फिर बाद में द्वीप को तुर्की में शामिल करने की मांग करने लगे इतना ही नहीं 1950 के दशक में तुर्की के साथ मिलकर एक नीति बनाई गई जिसे तकसीम की नीति नाम दिया गया तकसीम का मतलब है विभाजन इसके तहत साइप्रस का विभाजन कर उत्तरी साइप्रस में एक तुर्की राज्य के निर्माण की स्थापना की योजना बनाई गई 1955 में इन संगठनों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया करीब चार सालों के संघर्ष के बाद विभाजन से इनकार करते हुए 1960 में अंग्रेजों ने साइप्रस को आजादी दे दी इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही समुदायों में असंतोष भरा हुआ था उन्नीस में दोनों ही समुदायों में लगभग सिविल वॉर छिड़ गया एक खूनी संघर्ष हुआ जिसमें करीब पच्चीस हजार तुर्कों को विस्थापित होना पड़ा इसी झगड़े के बाद वहां की सरकार में तुर्क मुसलमानों की हिस्सेदारी खत्म हो गई उधर मौके की तलाश में बैठी यूनान की सरकार माकूल माहौल पाकर उन्नीस में साइप्रस में तख्ता पलट की योजना बनाने लगी वहां के मिलिट्री जुंटा ग्रीक समुदाय के संगठन इोका के साथ मिलकर तख्ता पलट की कहानी लिखने में जुट गई 15 जुलाई 1974 को साइप्रस की सरकार गिरा दी गई साइप्रस का राष्ट्रपति माकारियोस ब्रिटेन भाग गया योका के अहम सदस्यों में से एक निकोस सैमसन को सत्ता की कमान दी गई उधर तख्ता पलट के जवाब में तुर्की ने यूनान के सामने कुछ मांगे रखी जैसे कि निकोस सैमसन को तत्काल हटाना तुर्कों की सुरक्षा के लिए तुर्की सैनिकों का प्रवेश और दोनों आबादी के लिए समान अधिकार जैसी बातें रखी गई लेकिन तुर्की की इन मांगों को खारिज कर दिया गया फिर क्या था 20 जुलाई 1974 को तुर्की की सेना ने साइप्रस पर हमला कर दिया। इसके बाद तुर्की ने साइप्रस के मशहूर वरुशा शहर को अपने कब्जे में लिया ऐसा कहा जाता है कि तुर्की की चालीस हजार फौज ने साइप्रस पर हमला किया था जो अभी भी वहीं है इस घटना में लाखों लोग बेघर हुए बाद में लोगों को छूट दी गई कि ग्रीक दक्षिणी हिस्से में चले जाए और तुर्क उत्तरी हिस्से में इसके बाद तुर्क साइप्रस वासियों ने अपने इलाके को एक स्वघोषित राष्ट्र घोषित कर दिया साइप्रस दो हिस्सों उत्तर और दक्षिण में बट गया जो रेखा दोनों हिस्से को अलग करती है उसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया मौजूदा हालात की बात करें तो स्थिति जस की तस बनी हुई है उत्तरी साइप्रस को सिर्फ तुर्की ने मान्यता दी है वहीं ग्रीक साइप्रस सरकार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत दुनिया के कई राष्ट्र स्वीकार करते हैं संयुक्त राष्ट्र एक लंबे समय से इस द्वीप में एकीकरण की कोशिश कर रहा है लेकिन इसमें अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है साइप्रस की इसी समस्या के मद्देनजर यूरोपीय संघ तुर्की को अब तक सदस्यता नहीं दे सका है अब आखिर में ये भी जान लीजिए कि यूरोपीय संघ की मेंबरशिप आखिर मिलती कैसे है दरअसल यूरोपीय संघ की मेंबरशिप हासिल करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल है इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि तुर्की 2005 से कोशिश कर रहा है लेकिन उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिली है जो देश संघ की सदस्यता हासिल करना चाहते हैं उनके लिए कुछ योग्यताएं तय की गई हैं यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट के मुताबिक यूरोपीय संघ की संधि में कहा गया है कि वही यूरोपीय देश सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है जो यूरोपीय संघ के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता हो और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हो उस देश को चाहिए कि वे पहले अपने देश में इन मूल्यों को स्थापित करें इन्हें मुख्य रूप से उन्नीस में कोपेनहेगन में यूरोपीय परिषद में परिभाषित किया गया था और इसलिए इन्हें कोपेनहेगन मानदंड कहा जाता है शामिल होने के इच्छुक देशों से उम्मीद की जाती है कि वे ऐसे संस्थान कायम करेंगे जो लोकतंत्र कानून के शासन मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के सम्मान व संरक्षण की गारंटी देते हैं उस देश में एक सक्रिय अर्थव्यवस्था हो जो यूरोपीय संघ में प्रतिस्पर्धा और बाजार की ताकतों से निपटने की ताकत रखती हो उन देशों में सदस्यता के दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू करने की योग्यता हो जिसमें राजनीतिक आर्थिक और मौद्रिक संघ के उद्देश्यों का पालन करना शामिल है तुर्की के अलावा अल्बानिया मोन्टेनेग्रो साउथ मैसेडोनिया और सर्बिया चार ऐसे देश हैं जो यूरोपीय संघ की मेंबरशिप हासिल करने की कतार में खड़े हैं अब देखने वाली बात होगी कि तुर्की को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप में और कितना वक्त लगता है बीते हफ्ते अजरबैजान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आर्मेनिया पर जातीय सफाई यानी अजरबैजानी नागरिकों को मारने का आरोप लगाया है अजरबैजान का कहना है कि दोनों देशों के बीच समझौता होने के बावजूद आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख में बारूदी सुरंग बिछा रहा है इससे वहां के मूल निवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है वहां की सरकार के मुताबिक 2020 के विवाद के खात्मे के बाद अब तक 106 सौ छह बैजानी निवासी मारे जा चुके हैं सरकार का आरोप है कि आर्मेनिया नस्लीय नफरत भड़काकर नागोरनो काराबाक में हिंसा फैला रहा है आप पूछेंगे कि नागोरनो काराबाख क्या है और यह हिंसा की वजह क्यों बना हुआ है आज आपसे इस मुद्दे से जुड़े हर पहलू के बारे में बात करेंगे इस विवाद के पीछे की पूरी तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया की बड़ी शक्तियां इस विवाद के बारे में क्या सोचती हैं आइए सबसे पहले इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं दरअसल यह काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का इलाका है आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं आर्मेनिया के उत्तर में जॉर्जिया पश्चिम में तुर्की दक्षिण में ईरान और अजरबैजान एक्सक्लेव और पूर्व में अजरबैजान है अजरबैजान के उत्तर में रूस दक्षिण में ईरान और अजरबैजान एक्सक्लेव के पश्चिम में तुर्की है और अब ये एक्सक्लेव क्या है एक एक्सक्लेव किसी देश या क्षेत्र का वो हिस्सा होता है जो भौगोलिक रूप से मुख्य भाग से अलग होता है और जिसकी सीमा आसपास के एक या अधिक देशों से लगी होती है मतलब कि अजरबैजान दो टुकड़ों में बटा हुआ है उदाहरण के तौर पर जब भारत आजाद हुआ तब कैसे पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था मौजूदा पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे कुछ वैसा ही मामला अजरबैजान का भी है हालांकि विवाद की असली वजह कुछ और है आपको अगर याद हो तो इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि यूक्रेन को तोहफे में दे चुके क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस ने हाल ही में वापस ले लिया वहां हुए जनमत संग्रह में रूस की जीत हुई क्योंकि वहां की बहुसंख्यक आबादी रूसी थी क्रीमिया में क्रीमियाई की बजाय रूसियों के ज्यादा होने की वजह ये थी कि सोवियत संघ के प्रमुख रहते हुए जोसेफ स्टालिन ने लाखों क्रीमियाई तातारों को साइबेरिया और मध्य एशिया के लिए निर्वासित कर दिया साथ ही रूस के मूल निवासियों को वहां बसाने लगे इसके पीछे स्टालिन इस का एक मकसद क्रीमिया पर अपनी पकड़ मजबूत करना था स्टालिन ने कुछ ऐसी ही चाल अर्मेनिया और अजरबैजान के मामले में भी चली क्योंकि पहले कभी सोवियत संघ का ही हिस्सा रह चुके आर्मेनिया और अजरबैजान ऐसी ही दिक्कतों के साथ दो चार हो रहे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में मौजूद नागोर्नों का राबाक इन्हीं कारणों से विवाद में रहता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले आर्मेनिया और अजहरबैजान ट्रांसकॉकेशन डेमोक्रेटिक फेडरेटिव रिपब्लिक का हिस्सा थे यानी आर्मेनिया और अजरबैजान पहले एक ही देश थे लेकिन वर्ल्ड वार के खात्मे के बाद ट्रांसकॉकेशन डेमोक्रेटिक फेडरेटिव रिपब्लिक को तीन हिस्सों में बांटा गया आर्मेनिया जॉर्जिया और अजरबैजान ये वही दौर था जब सोवियत संघ बोलशेविक क्रांति का गवाह बन रहा था 1920 के दशक में जब स्टालिन सोवियत संघ के मुखिया बने तब उन्होंने आर्मेनिया और जॉर्जिया को सोवियत यूनियन में मिला दिया। क्योंकि वे हमेशा ही ट्रांसकोकेशन डेमोक्रेटिक फेडरेटिव रिपब्लिक का विरोध करते रहे थे जब ये दोनों मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गए तब नए सिरे से दोनों मुल्कों की सरहदें खींची गई और तलखी का दौर यहीं से शुरू हो गया जब दोनों देशों के बीच नई सीमा रेखा खींची जा रही थी तब इनके बीच का इलाका जो नागोर्नो काराबाक कहलाता है उसे स्टालिन ने अजरबैजान के हिस्से में दे दिया और यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई दरअसल अजरबैजान एक मुस्लिम देश है जबकि आर्मेनिया एक ईसाई देश है नागोर्नो काराबाक में बहुसंख्यक आबादी अर्मेनियाइयों यानी ईसाइयों की है तार्किक रूप से इस इलाके को आर्मेनिया में होना चाहिए था लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी वाले अजरबैजान में इसे डालकर स्टालिन ने एक ऐतिहासिक जंग की की बुनियाद डाल दी जानकार बताते हैं कि कि इसके पीछे स्टालिन सोची समझी साजिश थी थी उसकी मंशा ये छोटे देश आपस में लड़ते रहेंगे तो सोवियत संघ के लिए कभी चुनौती नहीं बन सकेंगे हालांकि आर्मेनिया के विरोध के बाद नागोरनो कारावाह को स्टालिन ने स्वायत्ता जरूर दे दी लेकिन यह अजरबैजान का ही हिस्सा बना रहा थोड़ी बहुत नोकझोंक के साथ वक्त बीतता रहा मजबूत सोवियत संघ के सामने ये देश कुछ कर सकने की हिम्मत नहीं जुटा सके लेकिन जैसे ही अस्सी के दशक में सोवियत संघ की दीवारें दरकने लगी नागोनो काराबाक को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान खुलकर आमने सामने आ गए उन्नीस में इस इलाके में सिविल वॉर छिड़ा जिसमें दोनों जातीय समुदाय आपस में लड़ने लगे यह प्रथम नागोरनो काराबाक युद्ध कहलाता है ईसाइयों को आर्मेनिया और मुस्लिमों को अजरबैजान से समर्थन मिल रहा था नो काराबाग की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया लेकिन की अजरबैजानी आबादी ने इसे खारिज कर दिया जैसे ही सोवियत संघ का विघटन नजदीक आया जातीय आर्मेनियाई और जातीय अजहरबैजानियों के बीच तलखिया तेजी से बढ़ने लगी और वे हिंसक हो गए अजरबैजान इसके लिए आर्मेनिया को जिम्मेदार ठहराता रहा लेकिन उन्नीस में जैसे ही सोवियत संघ टूटा अजरबैजान के साथ साथ काराबाख ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया हालांकि वैश्विक बिरादरी इस इलाके को तब भी अजरबैजान का ही हिस्सा मानती रही फिर उन्नीस का साल आया जब आर्मेनिया और अजरबैजान खूनी लड़ाई में कूद पड़े इसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी लाखों लोग बेघर हुए दो साल चली लंबी जंग के बाद उन्नीस में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम का ऐलान हुआ दोनों ओर के लोग शांत हो गए लेकिन हकीकत में वे कभी शांत हुए ही नहीं और अब तक यह लड़ाई जारी है पिछले साल ही दोनों देशों के बीच हुए युद्ध में सैकड़ों लोग मारे गए दरअसल नागोनो काराबाख अजरबैजान के क्षेत्र में जरूर है लेकिन वहां आर्मेनियाई समर्थित सरकार काम करती है अजरबैजान बस इस बात को हजम नहीं कर पाता और बार बार वो इस इलाके पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिशों में रहता है आखिर में जान लीजिए कि दुनिया के देश इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हालांकि आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई को दुनिया के बड़े और जिम्मेदार देश खत्म करना चाहते हैं अमेरिका जैसे देश चाहते हैं कि इस विवाद का निपटारा हो जाए लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो इस लड़ाई को खत्म होते नहीं देखना चाहते दरअसल दोनों देशों के बीच होने वाली लड़ाई में तुर्की जहां अजरबैजान का साथ दे रहा है वहीं रूस आर्मेनिया के साथ खड़ा नजर आता है इतना ही नहीं फिलिस्तीनी मुस्लिमों से हिंसक लड़ाई लड़ने वाला इसराइल भी यहाँ मुस्लिम बाहुल्य देश अजरबैजान के साथ मजबूती से खड़ा है अजरबैजान में तेल के अकूत खजाने से वो फायदा हासिल करता है और बदले में अजरबैजान को हथियार मुहैया कराता है इतना ही नहीं पाकिस्तान भी अजरबैजान के समर्थन में खड़ा है दरअसल देखा जाए तो नागोरनो काराबाग किसकी जमीन है इस मामले में दुनिया के सभी देश अजरबैजान के साथ ही खड़े नजर आते हैं किसी भी देश ने इस इलाके को स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं दी है और वे इसे आधिकारिक रूप से अजरबैजान का ही मानते हैं आइए अब जल्दी से नोट करते हैं आज के तीनों खबरों पर आधारित सवाल पहला सवाल है संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के क्या कारण थे लीग ऑफ नेशंस की जगह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई मूल्यांकन कीजिए दूसरा सवाल है साइप्रस समस्या क्या है तुर्की द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने की राह में यह किस प्रकार रुकावट है विवेचना कीजिए और तीसरा सवाल है नागोनो काराबाक विवाद क्या है इस विवाद के ऐतिहासिक कारणों का वर्णन कीजिए तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में इतना ही अगले एपिसोड में फिर नए मुद्दों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए ख्याल रखिए नमस्कार